नमस्कार मैं एडवोकेट विकास यादव एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका एक नई वीडियो में आज हम एडमिनिस्ट्रेशन लॉ के ए के प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन एक ही वीडियो में देख लेंगे इसके तीन क्वेश्चन दिखाए गए हैं कि सिलेबस में तीन क्वेश्चन आ सकते हैं लेकिन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि दो से लेकर चार क्वेश्चन आने की संभावना है और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पढ़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है काफ़ी अगर देखिए इसकी काफी स्कोप है कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के अकॉर्डिंग रिट्स वगैरह अपन इसी सब्जेक्ट में पढ़ते हैं तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है देख लेते हैं क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स इज ए बलवार्क ऑफ पर्सनल फ्रीडम देखिए बलवार्क है ना एंटोनियम है पर्सनल फ्रीडम का कि जहाँ पे आपको फ्रीडम मिल रही है यानी आपको एक टाइट वे में आपको फ्रीडम को रिस्ट्रेन किया जा रहा है ठीक है बलवार्क रिस्ट्रेन के वर्ड में यूज किया जा रहा है तो अब में पता है हैबियस कॉर्पस किसी पर्सन को इन डिटेंशन होता है तो ये वही पूछना चाह रहा है तो ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर हैबियस कॉर्पस सुप्रीमेसी ऑफ लॉ बिफोर लॉ एंड ऑफ लीगल स्प्रिट आर दी बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ डॉक्ट्रीन ऑफ ये सबको पता है कि ये एवडसी ने ऑफ रूल ऑफ लॉ के तीन प्रिंसिपल्स बताए थे सुप्रीमेसी ऑफ लॉ इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड प्री डोमिनेस ऑफ लीगल स्प्रिट तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर रूल ऑफ़ लो इज़ दी एंटीथेसिस यानी बिल्कुल उसके अपोजिट है एंटोनिया में उसका आर्बिट्रेरीनेस जहाँ पे अगर आर्बिट्रेरीनेस है वहाँ पे रूल ऑफ लो नहीं मिलेगा जहाँ पे रूल ऑफ लो है वहाँ पे आर्बिट्रेरीनेस नहीं मिलेगा ये दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती एक ही चीज़ मिलेंगी ये एक दूसरे के अपोजिट है इट हैज़ कम टू बी रिगार्डेड एज मार्क ऑफ ए फ्री सोसाइटी इट सिक्स टू मेनटेन द बैलेंस बिटवीन दी अपोजिट नोशंस ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी एंड पब्लिक ऑर्डर दिस वॉज ओपिन ओपिन बाय द बाई होम इन फेमस हैबिस कॉर्पस केस तो ये आपका जस्टिस एच आर खन्ना ने एक हैबियस कॉर्पस के केस था उसके अंदर बताया था ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर मैक्सिम डेलीगेटस नॉन पोट डेलीगेरी इसका मीन होता है कि अगर एक आपने एक बार आपने अपनी पावर्स को डेलीगेट कर दिया है तो जो उस पर्सन को डेलीगेट किया है जिस अथॉरिटी को डेलीगेट किया है वो फर्दर डेलीगेट नहीं कर सकती है. ये आपका जो डेलीगेशन लेजिस्लेशन है ये रूल है कि एक बार आपने किसी को डेलीगेट कर दिया है वो फर्दर डेलीगेट नहीं कर सकता ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर डॉक्ट्रिन ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन ये एक प्रकार का एक एडमिनिस्ट्रेट एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिप्शन आपके राइट होता है अगर आप उसको वइलेट करते हो तो आपको फिर यहाँ पे पूरा का पूरा ग्राउंड मिलता है जुडिशियल रिव्यू करने का तो जो ये एडमि हमें समझना पड़ेगा कि डॉक्ट्रिन ऑफ डॉक्ट्रीन लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन होता क्या है तो एक प्रकार का ये हमने बताई दिया है कि भाई एडमिनिस्ट्रेटिव एब्यूज डिस्क्रिशन हो जाता है ठीक है जो एडमिनिस्ट्रेटिव को एक पावर मिली हुई है पावर उसका अब्यूज़ करते हैं तब हम इस डॉक्ट्रिन के बारे में बात करते हैं कि भाई अगर कोई एक बहुत पुराने टाइम से ट्रेडिशन चला आ रहा है अगर उसको भी देख के अगर आप जो चीज़ होनी चाहिए हो, उसको नहीं करते हो तो यहाँ पे आप डॉक्ट्रीट ऑफ जो एक्सपेक्टेशन है बंदे का उसका वॉलेशन कर रहे हो डॉक्टरी ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन हम बोलते हैं इस चीज़ को तो ये आपका जो लैंडमार्क केस था ये ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया वर्सेज काम धेनू कैटल फीड इंडस्ट्रीज में ये बात कही गई थी ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर द सेकेंड प्रिंसिपल ऑफ रूल ऑफ लॉ एवी डाई सी का अभी हमने देखा था तीन प्रिंसिपल होते हैं पहला प्रिंसिपल आपको पता ही है कि क्या होता है सुप्रीमेसी ऑफ लॉ दूसरा इक्विलिटी बिफोर लॉ और थर्ड होता है आपका प्री ऑफ लीगल स्पीड तो ये सेकंड पूछ रहा है तो इक्वलिटी बिफोर लो हो जाएगा पी ऑप्शन इज द राइट आंसर इफ ए का जुडिशियल अथॉरिटी वोलेट्स द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस द अप्रोप्रिएट रिट वुड बी तो भाई हमें पता है कि भाई ये इसका आंसर तो डी हो जाएगा सरशुआरी हो जाएगा इसका आंसर हमें पता होना चाहिए कि सरचारी रीट कब कब दी जाती है एक तो अगर आपका लैक ऑफ जुरिडिक्शन है वहाँ पे अप्लाई होगा एक्सेस ऑफ जुरिडिक्शन है अब्यूज ऑफ जुरिडिक्शन है या फिर प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का वॉयलेशन है वहाँ पे भी हम सरचौारी के रूट का आपका रिट का हम यूज़ कर सकते हैं या फिर यहाँ पे देखें तो एरर इफ लो अपेरेंट ऑन दी फेस ऑफ रिकॉर्ड साफ दिख रहा है कि भाई जो लो होना चाहिए उसी को इसने वॉयलेट कर दिया है यानी कि पेटेंट यहाँ पे एरर है ठीक है लेटेंट एरर नहीं पेटेंट एरर है इस चीज़ का ध्यान रखना ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ए सेवन मेंबर बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट यूनिमसली स्ट्रक डाउन द क्लोज टू ऑफ आर्टिकल थ्री टू थ्री ए एंड क्लोज थ्री डी ऑफ आर्टिकल थ्री टू थ्री बी ऑफ़ द कॉन्स्टिट्यूशन लेकिन ये हमें पता है कि भाई ये ट्रिब्यूनल्स के रिगार्डिंग थे आर्टिकल्स तो इसके अंदर ये देखा गया था कि भाई आपको जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का को जो पावर है जुडिशियल रिव्यू की वो छीन ली गई थी तो बाद में इसे अनकस्टिट्यूशनल बोल दिया गया एलचंद्रा वर्षीज यूनियन ऑफ इंडिया के, के केस में रिट ऑफ चर्चारी इज इस इशूड इस अगेंस्ट ए तो ये आपका लोअर कोर्ट्स की भी हो सकता है कॉन्स्टुडिशल बॉडीज़ के भी लिए हो सकता है रिट ऑफ कोश अगेंस्ट पब्लिक ऑफिशियल रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट ऑफ पब्लिक नहीं इसका ए ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा ठीक है सरचुअारी का मीनिंग समझ लीजिए आप टू बी सर्टिफाइड या टू बी इन्फॉर्म्ड भाई अगर आपको ये लग रहा है कि भाई आपके खिलाफ कोई भी ऐसी प्रोसीडिंग है वो जो फोर्स उसका डिसीजन आया है तो आप उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन कराने के लिए भी सरचुआरी का यूज कर सकते हो सरचुअारी और प्रोविजन एक साथ भी आप यूज कर सकते हो बस इन दोनों में डिफरेंस यही है कि प्रोविशन वाली अगर प्रोसीडिंग चल रही है अगर फिलहाल प्रोसीडिंग चल रही है तो तब भी यूज कर सकते हैं लेकिन शर्शुआरी प्रोसीडिंग कंप्लीट करने के बाद ही यूज करी जाएगी ओडी अल्ट्रम पार्टम मीन्स अल्ट्रम पार्टम आपको पता है कि ने प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का एक प्रिंसिपल होता है रूल ऑफ फेयर हियरिंग जहाँ पे दोनों पार्टीज को सुनने का मतलब एक बार मौका देना चाहिए बिना दूसरी पार्टी को सुने आप खाली एक पार्टी को देख कर डिसीजन नहीं दे सकते हाँ कोई एक्सेप्शन कंडीशन में आप ऐसा कर सकते हो और नेमोजुडिक्स इन कोजा सुआ का मीनिंग होता है नो वन शुड बी मेड ए जज इन ओन के अपने ही मैटर में कोई किसी को आप जज नहीं बना सकते वो एक बायसनेस की तरफ डिसीजन चला जाएगा तो वो भी एक रूल ऑफ फेयर हियरिंग के बारे में बताता है कि भाई आपको जो हेयरिंग होती है उसके अंदर कोई जज ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका खुद का ही पर्सनल इंटरेस्ट हो ठीक है द सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड यह आपका थर्टी फर्स्ट अगस्त दो हज़ार पाँच को हुआ था स्क्रीन पर आप देख सकते हो इसके अंदर चेयरमैनशिप थे श्री वीरप्पा मोली ठीक है

डॉक्टर वनहम वाला केस था उसमें यूज़ की गई थी किसके द्वारा यूज गई थी लॉर्ड कोक के द्वारा यूज़ की गई थी एडवार्ड कोक इनका पूरा नाम था लॉर्ड एडवार्ड कोक डि रिक्वायरमेंट टू गिव रीजनस आपको पता ही है कि भाई आपको प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है कि कोई भी आप जो डिसीजन दे रहे हो तो उसके अंदर रीज़न ज़रूर दीजिए ये आपका रीज़न के रिगार्डिंग जो सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क केस था एस एन मुखर्जी वाला केस था एस एन मुखर्जी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया ये एक आर्मी ऑफिशियल्स के द्वारा किसी आर्मी पर्सन को निकाल दिया गया था उसके रिगार्डिंग उसने कोई डिसीजन दे दिया था लेकिन उसने रीज़न नहीं दिया था तो उसी के रिगार्डिंग ये केस था एस एन मुखर्जी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया

अकॉर्डिंग टू द रिपब्लिक एक्ट नंबर सिक्स सेवन सेवन जीरो विच ऑफ दिस पावर इज नॉट प्रोवाइडेड टू दफिस ऑफ ओम बुड्समैन ये ओम बुड्समैन इंडिया में अगर देखें हम लोकायुक्त लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट दो तो हज़ार तेरह के जरिए लाया गया है ठीक है और ओम्स बुट्समैन का मतलब यही होता है कि आप एक एग्जीक्यूटिव को बिना एग्जीक्यूटिव बने उसका सुपरवाइजरी कर रहे हो उसके वर्क को देख रहे हो तो ये एक प्रकार का ओम बुड्समैन का काम होता है करप्शन को रोकने के लिए बेसिकली जो उनकी एक्सरसाइज है उनको मोनिटर करने के लिए तो ऑप्शन बी पूछ रहा है यहाँ पे ऑप्शन बी इसलिए होया है कि भाई कौन सी चीज़ें प्रोवाइड नहीं करी गई थी वेन कैन दी सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज टू ग्रांट रेमेडी अंडर आर्टिकल थर्टी टू आपको पता है आर्टिकल थर्टी टू सुप्रीम कोर्ट के थ्रू कर सकते हैं आप जो भी फंडामेंटल राइट आपका वेलेट हुआ है तो रिट के थ्रू आप उसको फाइल कर सकते हो और आर्टिकल टू टू सिक्स हाईकोर्ट में कर सकते हो हाई कोर्ट के पास ज़्यादा पावर होती है क्योंकि हाई कोर्ट आपके फंडामेंटल राइट इवन स्टेटूटरी राइट और कॉमन राइट right का वॉल्यूशन होता है तो वो भी आप रिट के थ्रू आप हाई कोर्ट में फाइल कर सकते हो तो इसीलिए रिट के मामले में हाई कोर्ट की अगर हम जुरिस्टिक्शन देखें तो वो ज़्यादा बड़ी है सुप्रीम कोर्ट से ठीक है इसके अंदर एक चीज़ ध्यान रखना कि ये रिट आपका लीगल राइट right नहीं है ठीक है ये आपका आप फाइल कर सकते हो लेकिन डिस्क्रेश्री पावर होती है कोर्ट के पास कि वो आपकी रिट को अलाउ करती है नहीं करती है तो भाई आर्टिकल थर्टी टू क्या कह रहा है कि भाई अगर

कुछ टाइम के लिए उस पोजीशन को उसको दे दिया गया है तो एक्स इसको बोला जाता है के रिगार्डिंग है कॉर्पस होता ऑप्शन इज द राइट आंसर व्हिच इट इज इशूड कोर्ट दू कैश रंग ऑर्डर ऑफ ए लोअर कोर्ट तो यहां पे हम बात कर सकते हैं कि यहां पे हम मिनडे शर्षुर, की बात कर रहे हैं क्योंकि हम क्वैश कराने की बात करते हैं रॉन्गफुल ऑर्डर की बात कर रहे हैं डिसीजन आ चुका है उसको क्वेश कराने के लिए हम शर्शुरी यूज़ करते हैं अगर डिसीजन नहीं आया हुआ था प्रोसीडिंग चल रही होती तो हम प्रोविशन की बात करते फिर ऑप्शन सी आंसर हो जाता है इसका अभी यहाँ पे एक ऑर्डर को क्वैश कराना है रॉन्गफुल ऑर्डर को ऑर्डर पास हो चुका है तो हम शर्शारी यहाँ पर कर देंगे ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर ये मैंने डिफरेंस आपको बता ही दिया प्रीवियस क्वेश्चन में दिवर्ट्स ओम बुड्समैन इज डराइव फ्राम ये आपका श्वेडिस एडमिनिस्ट्रेशन से आया था ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर आप थोड़ा सा बढ़ सकते हो बुट्समैन को मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी करा दिया है कि भाई सुपरवाइजरी एजेंसी इंडिपेंडेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव ब्रांच सबसे पहले ये में यूज़ किया गया था एटीन जीरो नाइन में अंडर सेक्शन थ्री ऑफ द कमीशन कमीशन ऑफ इंक्वायरी इंक्वायरी एंड इज अपॉइंटेड बाय ये आपका सेक्शन थ्री को ली सेक्ट को उसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों में से कोई भी इसका यूज कर सकती है ए लैंडमार्क पेटीशन वॉज फाइल डूरिंग एमरजेंसी दैट इज तो एमरजेंसी के दौरान एक केस फाइल किया गया था लैंडमार्क था क्वेश्चन आ चुका ऑप्शन सी राइट आंसर काफी क्वेश्चन था ट्रोइ एडमिनिस्ट्रेशन जो सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिस्टम का होता है पे उसमें बताया गया डिफरेंस किया गया कि भाई अगर गवर्नमेंट का कोई सर्वेंट है उससे कोई अपराध होता है तो गवर्नमेंट्स के एक अलग से कोर्ट होते हैं वो देखेंगे इसको और अगर जनता से कोई अपराध होता है तो उसका अलग से देखेंगे तो डाइसी ने इस चीज़ को क्रिटिसाइज किया था कि यहाँ पे जो इक्वलिटी बिफोर लॉ है वो यहाँ पे वॉयलेट हो रही है पोस्ट करके आप पूरा डोरेट एडमिनिस्ट्रेटिव के बारे में पढ़ सकते हो मेडेमेंस में भी इशूड बाय दी मैं डेबस देखिए कब इशू किया जाता है कि भाई अगर आपको कोई भी एक्ट करवाना हो जो लॉफुली एक्ट है वो करवाना हो ठीक है भाई ये आप काम करिए जो लॉफुल है या फिर किसी को एक इन काम करने से रोकना अनलॉफुल काम करने से रोकने के लिए भी मैं डेबस का यूज़ किया जाता है ठीक है तो इसके अंदर बोल रहा है कि कौन इशू कर सकता है तो आपका सुप्रीम कोर्ट इशू कर सकता है और आपका हाई कोर्ट इशू कर सकता है तो ऑप्शन फोर्थ इज द राइट आंसर बोथ वन एंड टू कब कब मैंडमस इशू कर सकते हैं कंडीशंस क्या क्या होनी चाहिए उसके लिए देयर मस्ट बी ए पब्लिक ड्यूटी पब्लिक ड्यूटी होनी चाहिए ठीक है अगर पब्लिक ड्यूटी नहीं है तो आप नहीं कर सकते उसको यानी प्राइवेट मैटर्स में आप ये रिट नहीं यूज़ कर सकते मस्ट बी ए स्पेसिफिक डिमांड एंड रिफ्यूजल ठीक है एक पार्टी डिमांड करे दूसरी पार्टी उससे रिफ्यूज़ करिए तो वहाँ पर ही ये लागू होगा मस्ट बी ए क्लियर राइट टू एन्फोर्स ड्यूटी आपका एक राइट भी होना चाहिए उसको एनफोर्स कराने के लिए दी प्रोविजन फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनलमेंट पार्ट फोर फोर्टीन ए ऑफ दूशन आप देखोगे तो इसके अंदर ये बारह में अमेंडमेंट में आया था जिसके बाद से एक एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल को एस्टेब्लिश किया गया हाई कोर्ट को सबॉर्डिनेट करने के लिए उसके काम को आसान करने के लिए लेकिन हाई कोर्ट ट्रिब्यूनल से ऊपर ही रहते हैं सुपेरियर रहते हैं विच ऑफ दिट्स मीन प्रोड्यूस दॉडी ऑफ ए पर्सन ये आपको पता है द डेलीगेटेड लेजिस्लेशन वॉर डिक्लेयर कॉन्स्टिट्यूशनल इन ये लैंडमार्क केस है इसे हम बोलते हैं कि मदर ऑफ़ द डेलीगेशन लेजिशन केस में अगर आप देखोगे तो इन रे डेली लॉज एक्ट नाइनटीन फिफ्टी वन का इसके अंदर काफ़ी चीज़ें बताई गई हैं कि आप जो डेलीगेशन लेजिशन है उसके अंदर आप असेंशियल जो क्वालिटीज़ है लेजिलेशन की वो आप किसी को डेलीगेट नहीं कर सकते ठीक है थीके? तो इसको चैलेंज किया गया था कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को इस केस में चैलेंज किया गया था लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन इसको बोल दिया था रूल ऑफ लो रूल ऑफ लॉ मीन्स क्या होता है इक्वलिटी बिफोर लॉ सुप्रीमसी प्री डोमिनपिट सारे ए रूल ऑफ लो के प्रिंसिपल राइट आंसर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर दर्पज ऑफ रिट ऑफ क्यू वटो क्यू वारंटो के मतलब होता है कि भाई हमें अथॉरिटी चेक करने की कि किस अथॉरिटी से आप इस पोजिशन पे हो कौन सी पोस्ट से आप कौन सी अथॉरिटी से आप इस पब्लिक ऑफिस को हेल्ड कर रहे हो तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर आउट का मतलब होता है निकाल देना वहाँ से बर्खास्त कर देना रेट ऑफ सरशुआ कैन बी इशूड अगेंस्ट जुडिशियल एंड कॉस् जुडिशियल बॉडीज ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ठीक है एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज के भी अगेंस्ट होता है लेकिन अगर हम खाली सी ऑप्शन करेंगे तो जो ए एसेंशियल ऑप्शन है वो रह जाएगा हमसे तो इसके अंदर एक ऑप्शन अप्रोप्रिएट बन सकता है कि जुडिशियल कॉस जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज तो सारे तीन के तीन भी हो सकता है क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज के लिए हम सरशुआरी हम यूज कर सकते हैं ठीक है एक के क्रिया एक के पाक पाकवर्सिज यूनियन ऑफ इंडिया रिलेट्स टू यहाँ पे इस केस में क्या था कि वो फॉरेस्ट ऑफिसर था उसको प्रमोशन के लिए अगर एक एग्ज़ाम था तो उसी के अंदर ही वो जो इंटरव्यू बोर्ड था उसके अंदर जब उसकी बारी नहीं थी तो जो उसके राइवल्स थे कंपटीटर्स थे जब उनकी बारी आई तो वो उस बोर्ड में शामिल था तो एक प्रकार से आप खुद देखें ना अगर आपको भी पोस्ट चाहिए और आप भी उसमें इंटरव्यू लेने बैठ गए हो तो कहीं ना कहीं वो यूज हो रही है ना नोन नोन डेलीगेरी डेलीगेरी नो वन शुड बी अलीवें जज इन ओन केस ये वाला वहां पर मैक्सिम लागू होगी तो बायसनेस के ऊपर ये केस था तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर पीएनजी अप्लाई होता है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस आल्सो अप्लाई टू एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस जुडिशल कंट्रोल ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में बी एक्सरसाइज ऑन दी ग्राउंड ऑफ ठीक है तो हमें पता है कि भाई जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिप्शन देते हैं वहाँ पे अगर एडमिनिस्ट्रेशन अपना डिस्क्रिप्शन को गलत तरीके से यूज़ करता है अब्यूज़ करता है उस पावर को तो वहाँ पे पूरा हक है जुडिशल रिव्यू करने का ठीक है जहाँ पर मॉलीफाइड इंटेंशन है जहाँ पर उसने कंसिडर किया है इनरेलीवेंट फैक्ट को रेलिवेंट फैक्ट को इग्नोर किया है ठीक है जहाँ पे उसने नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड किया है ठीक है तो बहुत से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो डिस्क्रेशन में एडमिनिस्ट्रेटिव इग्नोर कर देते हैं तो हमारा पूरा हक बनता है जुडिशियल रिव्यू के थ्रू उसको ठीक कराने का ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर मालिफर्ड इंटेंशन भी वहाँ पे इंक्लूड होती है व्हाट इज द लीडिंग डिसीजन इन द केस ऑफ मेनका गांधी वर्सिज यूनियन ऑफ इंडिया ये आपका केस था पासपोर्ट के रिगार्डिंग कि भाई इनको ओडी अल्टरम पार्टर्म नहीं मिला था इन्होंने इस इशू इस को रेज किया था कि ये मेरा प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का वाइलेशन है तो कोर्ट ने बोला था कि नहीं यहाँ पर हम पोस्ट डिसीजन हियरिंग दे रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि नहीं आपका वोलेशन नहीं है आप डिसीजन के बाद भी हेयरिंग करा रहे हो तो वो आपको पूरा राइट right दे ओपिनियन है सब्जेक्टिव ओपिनियन नहीं है कि दीजनेबलनेस इज नॉट वोली सब्जेक्टिव टेस्ट एंड इट्स एंड फेयरली इंडिकेटेड बाई कॉन्स्टिट्यूशन वट इज दींट बाई प्रोसीजरल अल्ट्रा वायरस अल्ट्रावायरस के मीनिंग होता है कि कोई चीज़ अगर आप उसको ओवर क्रॉस कर देते हो ना एक लिमिट क्रॉस कर देते हो उस चीज़ की जितनी उसकी पावर थी वहाँ तक उसको आप ओवरटेक कर देते हो तो अल्ट्रावायरस के अंदर आ जाता है तो ऑप्शन आप ए और बी पढ़ोगे तो अप्रोप्रिएट आंसर है ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर ए एंड बी दी ग्राउंड ऑफ एरर ऑफ लो अपेरेंट ऑन देस ऑफ रिकॉर्ड इज कनेक्टेड विद विच ऑफ द रिट ये अभी अपन ने देखा था कि भैया के ग्राउंड देखे थे अपने लैक ऑफ जो जुडिक्शन एक्सेस ऑफ जोडिक्शन और जहाँ पे वोलेशन ऑफ पी एन जी और हमने देखा कि अगर अपेरेंट है कि एर ऑफ लो का भैया फेस ऑफ रिकॉर्डलेन हुआ है तो उस केस में हम सरशुआरी लागू करा सकते हैं ऑप्शन इज द राइट आंसर विच ऑफ द फॉलोइंग रिट कैन भी शूड अगेंस्ट असप्शन ऑफ पब्लिक ऑफिस तो ये साफ पता है आपको ये आपको क्यू ऑरेंटो होता है ये सारे जो रिट्स हैं इनके जो मीनिंग होते हैं पर्टिकुलर वो आप देख सकते हो तो क्यू आरेंटो का मीनिंग होता है भाई वट एरेंट प्रोबिशन का मतलब होता है टू फॉरब इसका मतलब होता है वी कमांड का मतलब होता मतलब है टू तो बी सर्टिफाइड पोस्ट करके एक बार डिटेल में पढ़ सकते हो आप रिज वर्सिज बलदीवन केस डील्स विद ये आपका फॉरन का केस था और ये आपका प्रिंसिपल नेचुरल जस्टिस के बेस पे था और यही हम उसी केस के बाद से हम इस चीज़ को देखते आ रहे हैं तो ये थोड़ा लैंडमार्क केस था इसलिए पूछ लिया बाकी कुछ दिक्कत वाली बात है नहीं इसी के साथ ही आपके एडमिनिस्ट्रेशन लो के सारे क्वेश्चंस डिस्कस हो गए इसके बाद हम करेंगे प्रोफेशनल इथिक्स उसके चार क्वेश्चन आते हैं वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करिए खुश रहिए मुस्कराते देश ख्याल रखें जय हिंद